दोस्तों, हड़ताल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। जिस देश में काम कर रहा मजदूर खुश नहीं होता, उस देश की अर्थव्यवस्था कभी मजबूत नहीं हो सकती। पर शायद आप मानव इतिहास की संख्या या पैसों के मामले में हुई सबसे बड़ी हड़तालों के बारे में नहीं जानते। तो आज दोस्तों, यूनिवर्स एडवेंचर आपको बताएगा कि वो कौन सी ऐसी हड़तालें थी जिन्हें मानव इतिहास में घटित हुई सबसे बड़ी हड़तालों में शामिल किया गया है। लेट्स बिगिन। नंबर 5, द 1926 जनरल स्ट्राइक इन यूनाइटेड किंगडम। 1926 में यूके में कोयला खान मजदूरों द्वारा दी गई हड़ताल को इस दुनिया के सबसे बड़ी हड़तालों में शामिल किया जाता है। इस हड़ताल में 12 लाख कोयला खान मजदूर सरकार द्वारा मजदूरी कम करने के विरोध में हड़ताल कर रहे थे। TUC यानी कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि एक लेबर पार्टी थी, वो मजदूरों की तरफ से इस हड़ताल की अगुवाई कर रही थी। पर सरकार को पूरी उम्मीद थी कि मजदूर हड़ताल पे जा सकते हैं, इसीलिए यह विरोध रोकने के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी। 3 मई 1926 से लेकर 12 मई 1926 तक 9 दिन तक चले इस हड़ताल में मजदूरों के हाथ छोटी मोटी हिंसा के सिवाय कुछ भी नहीं लगा तथा यह हड़ताल पूरी तरह से नाकाम रही। इस हड़ताल को दुनिया भर में ब्रिलियंट फेलर इस नाम से जाना गया। इसके बाद TUC के नेता का कहना था, हालांकि हम हार गए, पर जिस तरह से इतनी भारी संख्या में मजदूर इकट्ठा हुए थे, मजदूरों को उनकी ताकत का अंदाजा हो गया है। नंबर 4, 1934 टेक्सटाइल वर्कर्स स्ट्राइक। 1934 में अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट ने नीरा यानी कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट के तहत टेक्सटाइल वर्कर्स के काम करने के घंटे हफ्ते में 60 से लेकर 40 कर दिए। पर मिल मालिकों ने मजदूर जितने माल का 60 घंटों में उत्पादन करते थे, उतने ही माल का उत्पादन 40 घंटों में करने की सख्ती करने लगे। इसी वजह से मजदूरों की हालत बद से बदतर होती चली गई। आगे जाके मजदूरों की संघटना 15,000 से लेकर 2.5 लाख इतनी बड़ी हो गई। 1934 में इस संगठन ने 3 मांगे मिल मालिकों के सामने रखी। पहली, हमारी यूनियन को पहचान मिले। दूसरी, काम करने के घंटे 40 से लेकर हफ्ते में 30 घंटे कर दिए जाए। और तीसरी, हर मजदूर को कम से कम निश्चित मजदूरी तय की जाए। इन सब मांगों को मानने से जब मिल मालिकों ने इनकार कर दिया तो करीब 4 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए। परिणाम ये हुआ कि अमेरिका की 60% से भी ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो गई। प्रेसिडेंट ने जब मजदूरों की बात सुनने के लिए समिति स्थापित की, तब जाके मजदूरों ने काम शुरू कर दिया। इतना होने के बावजूद मजदूरों के हाथ कुछ खास नहीं आ पाया। नंबर 3, 1959 USW स्टील स्ट्राइक। 1959 में अमेरिका की स्टील कंपनियां मुनाफा कमाने के मामले में उफान पे थी। यूनाइटेड स्टील वर्कर्स यूनियन, जिन्हें USW भी कहा जाता है, मजदूरों की इस संगठन का कहना था कि मजदूरों का वेतन बढ़ाकर इस फायदे का एक हिस्सा उन्हें भी दिया जाना चाहिए। पर स्टील कंपनी के मालिकों की कुछ शर्तें थी जिन्हें USW ने मानने से इनकार कर दिया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया, 5 लाख मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से समझौते करने की कोशिश की, पर सब कुछ नाकाम रहा। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इस मामले में दखल देते हुए एक अच्छा समझौता दोनों पक्षों के सामने रख दिया, जिसमें घंटे की मजदूरी में 7 सेंट की बढ़ोतरी, पेंशन की तरदूद और भी कई हेल्थ बेनिफिट शामिल थे। 1 महीने की हड़ताल के बाद आखिरकार ये समझौता दोनों पक्षों ने मंजूर कर लिया, जिसकी वजह से अमेरिका की सबसे बड़ी हड़ताल का अंत हो सका। नंबर 2, 1974 रेलवे स्ट्राइक इंडिया। 8 मई 1974 में 17 लाख से भी ज्यादा भारतीय रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। उनका कहना था कि काम करने का समय 8 घंटे से ज्यादा ना हो तथा उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए। हालांकि भारत स्वतंत्र होने के बाद उनके वेतन में समय समय पे बढ़ोतरी की गई थी, पर वेतन बढ़ाने और काम करने की व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने की हुआ करती थी। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए 70% से भी ज्यादा रेल कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे, पर सरकार ने उनकी ये मांगे ठुकरा दी। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया तथा कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बिगड़ते हालात को देख ये हड़ताल 27 मई 1974 को पीछे ले ली गई। 20 दिन तक चली ये हड़ताल पूरी तरह से नाकाम हो गई। संख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये उस वक्त की सबसे बड़ी हड़तालों में से एक थी। नंबर 1, इंडियन जर्नल स्ट्राइक ऑफ 2016। 2 सितंबर 2016 को भारत में 15 करोड़ से ज्यादा पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों ने 24 घंटों के लिए देशव्यापी हड़ताल की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पब्लिक सेक्टर के निजीकरण तथा और भी कई पॉलिसीज के विरोध में यह हड़ताल की गई थी, जिसमें पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे मजदूरों का न्यूनतम वेतन 15,000 हो, ये मांग शामिल थी। 24 घंटे तक चले इस हड़ताल ने भारतीय अर्थव्यवस्था का करीब 1800 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ था कि 15 करोड़ से भी ज्यादा लोग एक ही हड़ताल में शामिल हो। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें। और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।